किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरत है तो जान लगाने की। जान लगा दो या फिर जाने दो। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस से, जो कि बहुत सालों का है, उससे मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, क्योंकि शायद इससे आपका फ्यूचर शेप हो सकता है। एक्सपीरियंस मैटर करता है। जितने भी लोग आप लोग में से तैयारी कर रहे हैं, या अगर नहीं भी कर रहे हैं तो फ्यूचर में करने वाले हैं, तो गलतियां ना हो, पहले ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाएं, इसके लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक के देखिएगा ज़रूर। ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आधा अधूरा नॉलेज बहुत डेंजरस हो सकता है मेरे दोस्तों। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करे निशान। दोस्तों, ये लाइनें बहुत अच्छी लिखी गई हैं। इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा। आपको इसका मतलब तो मालूम होगा कि प्रैक्टिस विल मेक अ मैन परफेक्ट। एंड जैसे जैसे हम किसी एक पत्थर पे रस्सी को घसते जाएंगे, तो पत्थर को भी काटने का दम रखती है। लेकिन जब हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, हमें ये तो बहुत अच्छे से पता रहता है कि हम ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई, और कभी ना कभी तो निकलेगा। लेकिन क्या पता कि आप जो है ट्राई ही गलत तरीके से कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटजी ही गलत हो। रस्सी को किस तरीके से एक पत्थर पे, वो तो मालूम है आपको कि रस्सी को घसना है, किस तरीके से घसना है किसी एक पत्थर पे। स्ट्रेटजी विल डिफाइन वेदर यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट। दोस्तों, पहला पॉइंट, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी तैयारी का तरीका क्या होगा। रिजिड नहीं होना है, हमें फ्लेक्सिबल होना है, जो कि 90% लोग जो फेल होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, अपने तरीके से ही करेंगे एग्ज़ाम की अप्रोच को ध्यान में रखे बिना, और वहीं पे सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों एग्ज़ाम में अच्छा रैंक हासिल किया हूँ। हुआ ये कि गेट की अप्रोच मेरी एकदम अलग थी, मैं वहाँ पर फ्लेक्सिबल था काफ़ी गेट की अप्रोच में, और फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज की अप्रोच भी मेरी कम्प्लीटली अलग थी। मैं समझाता हूँ कैसे। गेट की अप्रोच में मेरा टारगेट था कि मुझे पता था कि मैं अगर 50% सिलेबस भी करूँगा तो उसमें से 70-80% क्वेश्चंस आ जाएंगे, और अगर उतने आ गए, उसका मैथ्स और एप्टीट्यूड अगर मैं कर लिया, तो मेरे 70-75 मार्क्स तो आ ही जाने, और अगर इतना आ गया मिनिमम से मिनिमम, तो डेफिनेटली PSU हो गए या फिर IITs हो गए, ये सब मिल जाएंगे। लेकिन जब इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी हुई, तब मेरा जो कवरेज था वो कंपैरेटिवली ज़्यादा था, क्योंकि उसमें कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। बट फिर भी इजी फॉर ऑल होता है, टफ फॉर ऑल होता है। इसीलिए दोस्तों, पिछले पास्ट ईयर पेपर्स को देख करके एनालाइज करना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। आपको पता है 70-80% जो क्वेश्चन होते हैं वो 50-60% सिलेबस से ही आते हैं, तो वो जो 20-30% पे फोकस करते हैं, और ये अनजाने में आप लोग करते हैं, मैंने देखा है करते हुए स्टूडेंट्स को इस पोर्शन पे फोकस, वो क्या करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, इसको आप 10th 12th हो गया या फिर JEE का प्रिपरेशन हो गया, किसी भी सरकारी एग्जाम का प्रिपरेशन हो, उससे रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट लेता हूँ मैं, बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, अलग अलग तरह के बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, अलग अलग तरीके का उसमें कोड्स, IS कोड्स, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स यूज़ होते हैं। अब ऐसे में होता क्या है, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, सीमेंट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो सीमेंट के बारे में आपने हर चीज़ जान ली, उसके बारे में आपने हर चीज़ देख ली, समझ ली, आपको हर चीज़ समझ में आने लग गई, आपकी इच्छा हुई कि चलो यार, ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है, चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, अच्छा ये भी तो एक क्वेश्चन आया था, चलो इसके बारे में पढ़ता हूँ, अच्छा अगर ये आ गया तो, अगर ये आ गया तो, व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट। आई एम टेलिंग यू, अपने आप को संयम में रखना बहुत ज़रूरी होता है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस में।
आपको बेसिकली फोकस करना है उस कोर सिलेबस पे जो कि हमेशा जहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, वो होने के बाद आप जाइए एक्स्ट्रा व्हाट इफ वाले पोर्शन में। ऐसा नहीं कह रहे वो नहीं करिए, वो भी करिए, लेकिन पहले उस 50% सिलेबस को आप कंप्लीट करिए, अच्छे से कंसोलिडेट करिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जहां से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा आते हैं। कोई इक्का दुक्का कहीं से क्वेश्चन आ जाता है तो उस पर हम ज़्यादा टेंशन ना लेकर के उसको अभी फिलहाल के लिए साइड में रखते हुए उस पोर्शन पे फोकस करें जहां से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों अभी के अभी एक काम कीजिए, अपने एग्जाम का सिलेबस उठाइए, उस सिलेबस को पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ मिलाइए और उसमें से आप ये देखिए कि उस सिलेबस का कितना पोर्शन ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम्स आता है। आप पाओगे 50%, सही बात है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट है मेरे दोस्तों, पिन पॉइंटेड स्टडी, एकदम पिन पॉइंट स्टडी करनी है अपने को, कम समय में सिलेक्शन डेफिनेटली मिल जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ, आप अकेले नहीं दौड़ रहे हैं, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। कुछ लोगों की अपनी अलग रेस चल रही होती है, वो इग्नोर करते हैं बाकी कॉम्पिटिटर्स को, पूरे कॉम्पिटिशन को इग्नोर नहीं करना है। आपको अकाउंट फॉर करना है सबके, सभी लोगों को, सब पूरे कॉम्पिटिशन को, कि कौन आपके साथ कॉम्पिटिशन में है, क्या जा रहा है कट ऑफ, क्या मैं उस कट ऑफ तक पहुँच पा रहा हूँ कि नहीं पहुँच पा रहा हूँ, क्या मेरा डेली इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लो आप इस दुनिया में सबसे तेज़ भागने वाले इंसान हैं, उसेन बोल्ट से भी तेज़, लेकिन आप कभी ट्रैक पे ही नहीं भागते, तो भले ही आप तेज भागते होंगे लेकिन क्या आपको कभी विनर का खिताब मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी कारण आपको ट्रैक में चलना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, गेट हो, अभी RRB का निकला था, उसके बाद SSC का होता है, CGL होता है, JEE का एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने कैलिबर को जज करने के लिए आप टेस्ट सीरीज को ज़रूर दें। कोई भी टेस्ट सीरीज हो सकती है जो कि आपको थोड़ी ऑथेंटिक लगे, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हो सकती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट कोच करने के लिए होते हैं, एजुकेशनल जितने भी जो हमको स्कूल्स और कॉलेजेस में वो बैकग्राउंड जो नहीं मिल पाता है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं और इससे हेल्प मिलती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अब एजुकेशनल बैकग्राउंड के भी नहीं, अब आप बोलोगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों ने ये कर रखा है वो कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे में तो फिर कहीं पे भी कोच होना ही नहीं चाहिए। अगर आपका ये कहना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं होने चाहिए, इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि आप क्रिकेट की कोचिंग या फिर फुटबॉल की कोचिंग या फिर चाहे वो पढ़ाई की कोचिंग हो या फिर सोल्जर्स को कोच करना हो गया, मिलिट्री की भी कोचिंग होती हैं, अलग से कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्पेसिफिकली मिलिट्री को कोच करते हैं, तो ऐसे तो कोच होने ही नहीं चाहिए फिर। तो इसी कारण आप कोई अच्छी कोचिंग को ज्वाइन करो जहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक नॉलेज मिलता है। इससे एक पर्टिकुलर नॉलेज मिलता है लोगों को, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलता है जिससे लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं कम समय में। अब आप इसमें से डिसाइड कीजिए कि कौन सा सबसे ऑथेंटिक है। जो सबसे ऑथेंटिक होगा आप उसे ज्वाइन करें, उसकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, उसके क्लास नोट्स को देखें, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। आप अपनी अलग रेस में ना जाएं। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो अपनी अलग रेस में जाने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है, जो टैलेंटेड मेंटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, उन्हीं मेंटर्स पे भरोसा कीजिए। फेथ विल मूव माउंटेंस, फेथ होना बहुत ज़रूरी है। गीता में भी लिखा गया है कि फेथ होना, आस्था होना बहुत ज़रूरी है अपने गुरुओं के प्रति। अगर आप फेथ नहीं रखोगे तो जाओगे कहाँ? अब बहुत सारे लोग कोचिंग में वगैरह पढ़ के भी आते हैं लेकिन उसके बाद उनका अपना दिमाग चलता है और अपना दिमाग चलाने की वजह से वो कहीं के नहीं रह पाते कि अगर मैं ये कर लिया तो वो कर लिया तो। व्हाट इफ में एक इंसान को एक टॉपिक में PhD करने में 7 साल लग जाते हैं। मैं जब IIT बॉम्बे में था वहाँ पे 9 साल लग गए थे एक स्टूडेंट को अपनी PhD को कंप्लीट करने में। तो जब एक टॉपिक में इतना समय लग सकता है, अब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो 14-14 सब्जेक्ट लेकर के, तो आप ये समझ रहे हो कि आपको कितना पिन पॉइंटेड स्टडी करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, द स्टूडेंट मस्ट फोकस ऑन मिनिमलिज्म, ही शुड फोकस ऑन मिनिमलिज्म। आप ज्यादा परफॉर्म तब कर पाएंगे जब आप कम पढ़ेंगे। अब इसको कुछ लोग उल्टा समझ लेते हैं कि आपको कम पढ़ना है, नहीं, इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। स्मार्ट वर्क इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। कम पढ़ेंगे का मतलब ये है कि आप सिलेबस वाइज अपने आप को कन्फाइंड रखेंगे, एक पर्टिकुलर कन्फाइंड एरिया में रहकर ही आप पढ़ाई करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। कहने का मतलब है इसके कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स,
कि आपको इस कोचिंग का मटेरियल मिला, इस कोचिंग का भी मटेरियल मिला, उसका भी मिल गया, इसका भी मटेरियल, आप क्या कर रहे हैं, आप इसको भी थोड़ा पढ़ ले रहे हो, उसको भी थोड़ा पढ़ ले रहे हो, इसमें जो नहीं था वो वहां से ले लिया, उसमें जो नहीं था, देखो भाई नो मटेरियल इज गोइंग टू बी परफेक्ट, राइट? कोई भी मटेरियल परफेक्ट नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइन आपको नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ वहां पे मिसिंग होगा। तो इसीलिए आपको एक ही मटेरियल फॉलो करना है, मिनिमलिज्म पे वर्क करना है। अगर आपको लगता भी है कि कोई दूसरा अच्छा है, स्टिक ऑन टू दैट, हैव फेथ, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। अब यहां तक आई गए हो तो मैं कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूं। चौथा और इंपॉर्टेंट टिप है, अपनी पढ़ाई की जगह को फिक्स कर लें। खास करके जो लोग जॉब के साथ साथ भी तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, वो एक ही जगह बैठ करके पढ़ाई करें। साइकोलॉजी ये कहती है कि बार बार जगह बदल के पढ़ने से आपका दिमाग उस जगह पे ठीक तरीके से नहीं लग पाता, लेकिन अगर आप बार बार उसी जगह पे बैठ के पढ़ते हैं, कहीं और बैठ करके नहीं पढ़ते हैं, तो आप बहुत जल्दी उस जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में आगे मैं डिस्कस करूँगा आगे वीडियोज़ में। और पाँचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर दिन अपने आप को थोड़ा पुश करिए। जैसे 5 मिनट रूल है, यूज योर 5 मिनट रूल, कि अगर आपको पढ़ने मन नहीं लग रहा है कोई बात नहीं है, आप मत पढ़िए, लेकिन 5 मिनट अपने आप को आगे पुश कीजिए थोड़ा सा। वो वीडियो पूरी डिटेल में बनी हुई है, उस वीडियो को आप यहां पे आई बटन में क्लिक करके जरूर से देख लीजिएगा। और इंपॉर्टेंस है पेशेंस का बहुत ही ज़्यादा इन सब एग्जाम्स में। हमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अपना मोबाइल उठाता हूँ, मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज आया हुआ है, मेरा अंदर से एक टेम्पटेशन ज़रूर आएगा कि मैं ये सब जो है इसको अभी पहले व्हाट्सएप में रिप्लाई कर दूँ। क्यों? क्योंकि इसका आउटकम बहुत इमीडिएट है, अभी मिलेगा तुरंत, लेकिन एग्ज़ाम का आउटकम बहुत प्रोलॉन्ग्ड है, वो अभी नहीं मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा। तो अभी से मैं आपको बता रहा हूँ ये आउटकम, और मेरी बात आप आज के दिन लिख लो, इस वीडियो को, इस क्लिपिंग को डाउनलोड करके रख लो, अगर नहीं होगा तो फिर बाद में बात करना मेरे से। कि अगर आप जान लगा के तैयारी करोगे और एक लॉन्ग टर्म विजन बनाओगे, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे, कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। आई एम टेलिंग यू दिस कि अगर आप जान लगाओगे, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। मेरे सारे स्टूडेंट्स को, मुझे, मैं जितने लोगों को जानता हूँ उन्हें, जिन्होंने भी मेहनत की है उन्हें उसका फल ज़रूर मिला है, ये मेरे से आप लिखवा लो, ये मेरी गारंटी है। आप जब सेलेक्ट हो जाओगे ना, मेरे को बताओगे, मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं मेरे को कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। पहले ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, बने रहिए, बीच बीच में वीडियोज़ को मिस मत करिए, अदरवाइज़ आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये वीडियो कहाँ से आ रही है। तो इसीलिए चैनल में अगर पिछली वीडियोस आपसे छूटी हैं तो कृपया करके उन वीडियोस को भी आप ज़रूर से देख लें। आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, जैसा कि मैंने बताया था मेरे पास इतने सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।